आयुध्या Happy birthday to you, happy birthday to you. घर आ गए हैं वापस और ये जो छोटा सा सेलिब्रेशन था 5 मंथ्स वाला वो हो गया है पूरा. बड़ा मजा आया, बहुत सारा कुछ हमने फन किया, अच्छा अच्छा खाना खाया, यम्मी यम्मी स्नैक्स खाया, तो बस मजा ही आ गया. और हाय, और बड़े दिन के बाद ऐसा वाला फैमिली टाइम मिलता तो अच्छा लगता है. और वैसे तो मैं घर पर कुछ बना नहीं सकती थी क्योंकि मैं कल जल गई थी. ये देखो, यहाँ देख रहे हो ना हाथ पे, ये लाल लाल पूरा पैच इधर, ये हाँ ये तो ये पूरा मैं जल गई थी कल. यहाँ से दिख रहा है ना ये लाल लाल पैच, तो ये मैं कल जल गई थी, चाय गिर गई थी मेरे हाथ पे. तो अब आज कुछ कर तो सकती नहीं थी, खाने पीने वाला काम मतलब गैस के पास जाने वाला काम बहुत बुरा जल गया था और अभी भी बर्न हो रहा है. सो सफल गए हैं बर्न ऑल लाने के लिए और मैं बस फोटो क्लिक कर रही हूँ. अनिका मस्ती कर रही है चीकू के साथ में, उसको फुटबॉल बना करके यहाँ शेक कर रही है. अब देखते हैं कल क्या होता है. अभी एक फोटोशूट और बाकी है इसका 5 मंथ्स वाला जो हम घर पे करते हैं, तो वो मैं शायद कल या परसों में करूँगी. प्रिंट तो मैंने ले लिया था और जो बेसिक फोटोशूट होता है मंथली फोटोशूट वो भी हो गया था, वो भी कर लिया आज. और एक थीम फोटोशूट करती हूँ एवरी मंथ मैं, तो वो कौन सा वाला करूँगी इस बार पता नहीं. जो करूँगी मैं आपका शेयर जरूर करूँगी आपके साथ में. एंड आई जस्ट होप यू विल लव इट. ओके सो चलो बाय बाय. आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा. हमने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी. क्या नहीं बनाया? बर्थडे कार्ड. हाँ हाँ, लिख लिया बर्थडे कार्ड बनाया है निका ने खुशी के लिए. चिकू ने कार्ड बनाया है. I love you. You are my best खुशी. I love you. La la. अरे वाह. La 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 la. और यहाँ पर खुशी का बर्थडे हो रहा है. और यहाँ पे ना मैं हूँ, ये मैं खेल रही हूँ. वैसे आज चीकू का 5 मंथ्स कंप्लीट हो गया और आज एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई. बड़ी चीज़ ऐसा कि आज चीकू पूरा रोल ओवर करते हुए बेड से नीचे गिर गई. वैसे उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, चोट ही नहीं लगी क्योंकि उसने ऐसा आउटफिट पहना था कि उसको चोट नहीं लगी. उसका जो सर था वो बच गया और बेड के बिल्कुल बीच में लिटाया था. अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं, तो हमने भी कभी बिल्कुल ऐसा प्रिकॉशन नहीं रखा. और इतनी जल्दी रोल ओवर होकर के बिल्कुल बेड से नीचे ही गिर जाना, मतलब ऐसा राउंड राउंड घूम करके पूरा नीचे गिर गई. तो आज ऐसा हुआ. हाँ, ऐसे अचानक अचानक चीजें करते हो ना. माय मिरेकल बेबी, माय मिरेकल बेबी. मामा डर जाती है, मामा डर जाती है, डर जाती है, डरती है मामा, बहुत डरती है. मामा डरती नहीं है, मामा डरती है, डरती. बस बस चलो सबको गुड नाइट बोल दो. गुड नाइट एवरीवन, आई एम फीलिंग स्लीपी. गुड नाइट. कल है अनिका के स्कूल का फंक्शन. आई जस्ट होप मैं हाँ फंक्शन है कल, भरतनाट्यम है ना डांस आपका. आई जस्ट होप मैं आपका डांस कैप्चर कर पाऊँ, देख पाऊँ. गुड नाइट एवरीवन. सब सो गए हैं और मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ कल के लिए. क्या क्या चीज़ें अपने को लगने वाली हैं वो सब कुछ मैंने निकाल के रख लिया है. लास्ट मिनट के लिए कुछ नहीं छोड़ रही हूँ, नहीं तो फिर लास्ट में क्या होता है, कुछ मिलता नहीं है रेडी कराने के लिए. ड्रेस को आयरन करके साइड में रख दिया. ड्रेस मैंने परचेज़ करी थी अमेज़ॉन से, रेंट पर नहीं ली. एक्सेसरीज मेरे पास ऑलरेडी थी, सिर्फ बेल्ट ले लिया, मेकअप भी था, चूड़ी ले ली, गजरा ले लिया, चोटी ले ली, इतना लिया. थैंक यू नैपकिन. हेलो, दोनों हाथ उस सामने रख के बैठो उस पे. याद है ना? चीकू का इस कवर हो गया, इतना मोटा मोटा मेरा चीकू पहन के आ गया है. इतने मोटे मोटे पहन के आ गए. मम्मा पूछो मतलब कितना मोटा मोटा पहन के आ गया. तो पहुंच गए हैं.
अरे आके कार में करा देंगे, नहीं मेरा बच्चा को संतोष है बहुत ज्यादा, इसका निकनेम संतोष ही है आज से। मां संतोष। ओ वी आर ऑन द वे अनिका इज देयर। हाय। क्या बात है, भरतनाट्यम। ये यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फ्रेंड्स खड़े हैं, हम यहाँ आ तो गए पर यहाँ पर एंट्री नहीं है। चिकू एंट्री नहीं है, हमें हमें एंट्री क्या लग रहा है? ओह कितना बड़ा है। प्रैक्टिस की वजह से अनिका को हो गई बहुत सर्दी जुकाम, उसके लिए बना रही हूँ मैं अजवाइन कपूर और लौंग की सेंक। इसे सेंक भी दूंगी और उसे सूंघने के लिए भी दूंगी। इसे गर्म करना होता है ऐसे, फिर कॉटन का कपड़ा लेना होता है, उसमें इसे डालना होता है, फिर पूरा रोल करके उसका एक पोटली बना लो आप, फिर अच्छा टाइट होना चाहिए, और फिर उसे जो इसमें से अरोमा आती है, मतलब जो धुआं आता है बाहर, स्मोक जैसा कुछ आता है ना बाहर, स्मोक तो नहीं होता पर वो धुआं जैसा, स्टीम जैसा अजीब सा आता है कपूर अजवाइन और लौंग का, उसे जब इनहेल करो ना तो बहुत ही अच्छी फील होती है और ब्रीथिंग पूरी अच्छी हो जाती है, खुल जाता है नाक, जो कंजेशन वगैरह होता है वो भी फ्री हो जाता है। तो अनिका के साथ साथ चीकू को भी यही सेम प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी मैं उसके पास जा रही हूँ। वो सो रही है, सोते में सबसे बेस्ट हो जाता है न्यूबॉर्न बेबीज एंड बेबीज के साथ में करना, बाकी टॉडलर्स एंड किड्स को तो आप अपने हाथ में भी दे सकते हो, वो खुद से भी पकड़ करके स्मेल ले सकते हैं, और फिर जब वो सो रहे हो ना तो उनके चेस्ट पर और बैक पे अच्छे से सिकाई कर दो, इसी से हल्का गर्म करके बहुत आराम मिल जाता है, बहुत इफेक्टिव है। Hi guys, I'm looking fresh or not? Anyways, तो शाम हो गई है और मैंने शाम को आज बात लिया है क्योंकि सुबह नहीं नहाई और सुबह आज बहुत काम हो गया, चीकू के साथ साथ अपनी बड़ी बेटी अनिका को भी पूरा देखना पड़ गया ना, एवरीथिंग एल्स जो भी घर की चीजें होती वो भी सब देखनी पड़ गई। सुबह 6 बजे से उठी हूँ और अभी तक सोई नहीं, आंखों में नींद आ रही है बहुत ज्यादा, और इसलिए मैंने थोड़ा डिले किया और आलस करते करते शाम को नहाया आज। ओह गॉड, मेरी मसाज भी आज अच्छे से नहीं हो पाई। और एनीवेज द मेन अपडेट इज कि आज था अनिका के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे, उसने पार्टिसिपेट किया था और उसके क्लास के बच्चों ने, और बहुत सारे क्लास के बच्चों ने किया था पार्टिसिपेट, डिफरेंट कार्यक्रम थे, डिफरेंट प्रोग्राम थे, डांस थे और परफॉर्मेंस थी, तो उसकी परफॉर्मेंस भी थी, भरतनाट्यम डांस था, मैंने आपको बताया था कि कर रही है, तो गणेश वंदना थी और पहला परफॉर्मेंस उसी के क्लास का था, तो बहुत मुश्किल से मैंने उसे रेडी किया। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वॉज कि अनिका वॉज नॉट फीलिंग गुड, उसे कोल्ड था, कफ था, बॉडी एक था, और एक मिनट तो मैंने भी सोचा कि यार अनिका मत जा, रहने दे, छोड़ दे, और फिर मैंने कहा नहीं यार देखते हैं, मैं रेडी करती हूँ, सब करती हूँ। बहुत डिफिकल्ट था ये मेकअप और ये हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग कर पाना, मेरे हाथ दुख रहे थे, बच्चे को संभाल संभाल के हाथ दुख गए, और फिर उसके बाद उसे रेडी करना आज मेरे लिए इट वॉज लाइक जस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क, बट मैंने किया उस चीज़ को प्रॉपर और अनिका ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। मेरी बच्ची शी वॉज नॉट फीलिंग गुड, फिर भी उसने बहुत कोऑपरेट किया मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग के टाइम पर, मैं बहुत ज़्यादा, मैं सच में मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है ना कि बस पूछो ही मत। और इतने दिन की प्रैक्टिस में जाते जाते मॉर्निंग में जाना होता था प्रैक्टिस के लिए, एंड डेली डेली करते करते उसे इतना ज़्यादा कोल्ड कफ हो गया ना वेदर की वजह से, रोज़ ठंड में जाना, एकदम सुबह सुबह उठ करके रेडी होना, जाना भाग भाग करके सब करना, और वहाँ पर डांस प्रैक्टिस भी, और ये सब चीज़ तो कोल्ड एंड कफ तो फैलता ही है, मतलब कम्युनिटी वाला होता है, स्प्रेड होता ही है,
तो ये उसको हुआ। लाइट तो ग्रीन ग्रीन है टीवी की, फिर भी नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। मेरे बेबी की तबीयत अच्छी नहीं थी ना, ये देखो अभी भी उसको काजल लगाया हुआ है। साथ की हमने मेकअप, देखो पूरा चॉकलेट आ गया, ये पेस्ट्री खा के आया। हाँ मेरा बच्चो, चलो आप जाओ देखो टीवी, मैं आती हूँ। ठीक है आती हूँ, मैं देखती हूँ। सो अभी आज उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था कि ठीक है अभी दो दिन हॉलीडे रहेगा तो आज पहले डॉक्टर को दिखा दे तुम्हें। और वो सिरप भी नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। अभी डॉक्टर क्या करेंगे, वो भी वही कहेंगे कि आप बच्चे को बोलो कि वो किसी तरीके से मेडिसिन ले। नहीं ले रहे, फिर भी मैं हम होम रेमडीज कर रहे हैं। आई जस्ट विश कि जल्दी से ठीक हो जाए, मंडे को वो अच्छे से स्कूल जा पाए। सो इतने के बाद भी मैं सोच रही, मुझे ऐसा लगा कि यार वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इतना ज़्यादा उसे दिक्कत हो रही है। वो वहाँ तक पहुँच तो गई, उसने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन शी वॉज रियली यू नो डेस्परेट टू डांस। उसको इतना ज़्यादा मन था, नहीं करना है करना है, पता नहीं क्या समझ में आ रहा था बच्चे को, बट उसने किया और वो गई वहाँ पे स्टेज पे। उसने परफॉर्म बहुत अच्छे से किया, इतना ज़्यादा तकलीफ में होने के बाद भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आई डोंट नो, सभी बच्चे ने अच्छा किया। मैं अनिका को इसलिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ कि उस मिनट मैं जानती हूँ मेरी बच्ची की हालत क्या थी और इसने कैसे किया। बस उसके बाद मेरी आंखों में से एकदम से आंसू आ गए थे। मैं एकदम लास्ट रो में थी, पेरेंट्स तो अलाउड ही नहीं थे, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स को जाना था और अनिका के ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे है नहीं, और इतनी शॉर्ट नोटिस पे अरेंजमेंट पॉसिबल भी नहीं था। और तो फिलहाल हम गए और सारे पेरेंट्स जो थे वो पीछे खड़े हुए थे, अपने बच्चों के परफॉर्मेंस देख रहे थे। तो हमने भी देखा, रिकॉर्ड भी किया और अपने आपके साथ शेयर भी किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और गॉड, मेरा बच्चा जिसकी पहली परफॉर्मेंस थी स्कूल परफॉर्मेंस, फर्स्ट तो फर्स्ट ही होता है, और फर्स्ट वो भी ऐसे और इस सिचुएशन में, मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाली है ये चीज़। मैं उतनी अच्छे से फोटो या वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे थे हम, और किस तरीके से जूम करके आप देख ही रहोगे कि इतना ब्लर वीडियो है, लेकिन स्टिल अनिका ने बहुत अच्छा किया और वो बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब गॉड मेरा बेबी, सच में यार अपने स्कूल के दिन याद आ गए कि हम कैसे भाग भाग के जाते थे, रेडी होके डांस करते थे। और हमारे पास तो स्कूल के इतने डांस की बहुत ज़्यादा मेमोरीज भी नहीं है, फोटो वीडियो भी नहीं है। एक दो फंक्शन में पापा आए थे और एक दो फंक्शन में शायद मम्मी भी आई थी, और मोस्टली फंक्शन में तो कोई भी नहीं होता था, अकेले ही होते थे हम, कोई दिखने वाला भी नहीं होता था क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पाता था सबका आना। तो सीरियसली यार मेरी बच्ची ना बहुत बहुत पावरफुल है, मैं जानती हूँ वो बहुत पावरफुल है। आज जो उसने किया है ना, वो सच में मैं गिव अप कर गई थी कि अब वो नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने मुझे फिर एक होप दी। और उसे छोड़ो, हमारी छोटी सी, इन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। एक बार फीड करी थी मॉर्निंग की जो लेती है फीड, वो मेरे साथ में गई वहाँ बाहर, मेरे साथ में रहना, बाहर धूप भी थी सब था, किस तरीके से हम वहाँ पे खड़े रहे, बच्चे को छोड़ नहीं सकते थे, वो लेके मैं वहाँ पे खड़ी हुई, एक बार भी मेरी बच्ची नहीं रोई। इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ में, इतना ज़्यादा, मतलब मतलब बच्चे ना, मुझे कभी कभी अपने ऊपर पर लगता है यार कि मैं अपने बच्चों से सीखती हूँ। वो मुझे इतने बड़े बड़े लेसन्स इतनी आसानी से समझा देते हैं, इतने छोटे छोटे तरीक़ों से समझा देते हैं ना। जिस मोमेंट में मैं गिव अप करती हूँ, जिस मोमेंट में मैं फील करती हूँ कि नहीं यार अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ, उस मोमेंट में मेरे बच्चे मुझे हिम्मत देते हैं। और आज तो मुझे मेरे दोनों बच्चों ने हिम्मत दी। मैं वीक पड़ गई थी अपने ही बेबीज के लिए, मैं वीक पड़ रही थी और उन दोनों लोगों ने, मतलब माय गॉड, आज दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया। सो अभी तो सफल गए हैं पार्टी में, हमने घर पे अकेले, तो देखते हैं कि हम अकेले अकेले क्या करते हैं, मतलब हम हमारे दो बच्चे प्यारे से, एक तो सो रहे हैं और एक बार टीवी देख रहे हैं। तो चलो अब जाती हूँ, देखती हूँ। और मैंने बनाया था अभी अजवाइन और वो लौंग और कपूर का जो सेंक बनाती हूँ ना, वो सेंक बनाई थी, अनिका को दी, चीकू को दी, चीकू तो सो गई, और अनिका को दी, और वो ऐसा स्मेल करना होता है उसको पूरा ऐसा बना करके पोटली में। मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, कई वीडियो में बताया हुआ है, स्टार्टिंग के जब चीकू हुई थी उस टाइम पे मैंने बताया ही था। तो ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत जल्दी सर्दी जो होती है नाक वाली, और जो यहाँ पे जो कफ अंदर आता है ना, म्यूकस आता है, वो बहुत अच्छे से रिलीज हो जाता है, बच्चे को आराम भी मिलता है और ब्रीथ लेने में भी आसानी होती है। तो चल बाद में मिलती हूँ आपसे, आई होप आपने अच्छा वीडियो एंजॉय किया होगा, और जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है हैप्पी मम्मी ब्लॉग।
बेटे बड़े हो गए हो, ठीक हो? आज आप 5 मंथ की हो गए हो बीबी। हाँ देखी 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 देखी। हाँ सर, चीजों को मैंने रेडी करा दिया है, उसके हेयर ठीक करके कैप लगा दी है ऊपर, और नया आउटफिट पहना दिया, साफ सुथरा आउटफिट पहना दिया है, एंड बस थोड़ा सा एक्सरसाइज कराएंगे, फीड कराएंगे, और फिर चीकू सोएंगे। बिल्कुल उनका सोने का मूड हो गया। देखो ऑब्जर्व बेबी कब सोना चाह रहा है, और वो इस समय सोने की डिमांड कर रही है, लेकिन वो ऐसे नहीं सोएगी। तो सोने के लिए नींद की नीड होनी चाहिए, और ये हमारे पैरों के बीच में लेटी है इस समय, देखो। तो थोड़ा देर में और वेट करूंगी, फिर इसे फीड कराऊंगी, और फिर मैं इसे लिटा दूंगी इसकी क्रिब में, और ये बहुत अच्छे से सो जाती है फिर। हाँ? बाबू, ए मैं बाबू।